बिग बॉस 14 अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, लेकिन बिग बॉस 15 का आगाज शुरू हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टेलीविजन जगत का एक बहुत बड़ा सितारा जिसने हाल ही में एक बड़ा शो जीता है दोस्तों, उसको फिर अप्रोच किया गया है बिग बॉस सीजन 15 के लिए। राहुल भोज आ गया है और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं अब दोस्तों निया शर्मा की। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी की जो इंडियन वर्जन निया ने जीता दोस्तों, हम सबको पता है। और निया शर्मा कितनी ज्यादा स्पोर्टी हैं, कितनी ज्यादा बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, ये बात भी हम जानते हैं। जमाई राजा से वो एकदम रातों रात सितारे पे चढ़ गई दोस्तों। ऐसे में आपको बता दूं तो बहुत ही इनसाइड ये खबर आई है, क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस की कास्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट ईयर बात, और इस ईयर हमने देखने को भी मिला था दोस्तों। वहीं सेम बिग बॉस अभी खत्म हुआ 15, धीरे धीरे करके कास्टिंग जो है वो जीरो डाउन की जाती है कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। और जैस्मिन का अगर आपको याद होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि जैस्मिन भसीन आएंगी ही आएंगी, और ऐसे में दोस्तों जैस्मिन भसीन सीजन 14 में आ गई। अब सीजन 15 के लिए इस खूबसूरत नागिन 4 को यानी कि निया शर्मा को अप्रोच किया गया है, ऐसी बहुत सी स्ट्रांग खबरें हैं। हालांकि निया शर्मा ने इस पे अपना रिएक्शन कुछ नहीं दिया है दोस्तों, ऑफ कोर्स कोई नहीं देता है, बट यस अगर ऐसा होता है तो लिटरली मजा आ जाएगा। निया शर्मा दोस्तों खूबसूरत तो है, साथ ही साथ अगर बात करें तो निया शर्मा उतनी ही ज्यादा दमदार भी है, और जब वो अगर झगड़ा करेंगी कभी बिग बॉस के घर में तो वो देखना मजेदार रहेगा। वैसे आप लोगों को क्या है कहना, क्या आप लोग चाहते हैं कि निया शर्मा जो है वो बिग बॉस के घर में आए और निया शर्मा अपनी खूबसूरत अदाओं से सबका दिल जीत कर ले जाए? तो कमेंट सेक्शन आपका है यारो, मैं चलता हूं। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। इजाजत दें।